हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस छोटी सी वीडियो में टेली प्राइम के मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपके सेल बिल में टर्म एंड कंडीशन जो है अपने अकॉर्डिंग कैसे रखना है। तो चलिए मैं एक बिल पहले ओपन करता हूं। ये बिल मैं ओपन करके इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं। प्रिंट प्रीव्यू इस तरह का है, जूम करता हूं मैं और इसे स्क्रोल करके आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये जो कस्टमर सिग्नेचर है इसके ऊपर ही टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन है, मतलब यहां पे आना चाहिए था, बट अभी आप जैसे कि देख सकते हो यहां पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैं इसमें टैली प्राइम में जो है टैली ईआरपी 9 से थोड़ा अलग होता है, और यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस जैसे कि आपको पता है प्रिंट प्रीव्यू का भी अलग हो गया है। तो वहां से जो है मैं पहले एक्टिवेट करके दिखाऊंगा कि कहाँ से ऑप्शन आता है। तो जो भी टर्म एंड कंडीशन आना हो वो यहाँ आता है, और किस लिए होता है ये तो आपको पता ही है, हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन रखती है। तो ये देखिए, प्रिंट प्रीव्यू पे ही हूं मैं, और यहां से मैं आपको सबसे पहले कन्फिगर पे जाना है। कन्फिगर पे जाके सबसे नीचे आपको स्क्रोल करते हुए जाना है, फूटर का एक ऑप्शन होगा, वहां से हम पहले जो है इसे एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए मैं नीचे स्क्रोल करते चलता हूं। यहां पे देखिए, ये फूटर इन्फॉर्मेशन है, यहां पे आना है और यहां पे शो डिक्लेरेशन, आपको इसे सिंपली कर देना है यस। ये देखिए मैंने इसे कर दिया यस। अब यस करने के बाद क्या होगा, कंप्यूटर, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम, ये ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ लिख के देता है, टर्म एंड कंडीशन की जगह अपनी जो है एक लैंग्वेज में अच्छा सा लिखा हुआ होता है, तो वो शो होगा अभी। उसके बाद मैं आपको जो अपने हिसाब से आप जो रखना चाहते हो वो रखना सिखाऊंगा। तो यहां देखिए, ये अभी मैंने जैसे एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद ये डिक्लेरेशन आ गया, बट ये कौन सा है, ये टैली ईआरपी 9 में भी ऐसा ही था, और इसमें जो टैली प्राइम जो आप यूज कर रहे हैं इसमें भी सेम ही है। तो ये अपने अकॉर्डिंग देते हैं कि इसे अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप इसे एक्टिव कर लीजिए, बट हमें क्या करना है, हमें ये जो है इसे शो करने की जगह अपने अकॉर्डिंग हम यहां बनाना चाहते हैं कि हमारा जो है एक बार जो हम गुड्स सोल्ड कर दे उसे हम दोबारा जो है वापस नहीं लेंगे, या फिर हमारा अमाउंट टाइम पे नहीं दिया तो उसमें हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो सब हमें रखना है, तो वो सब अपने अकॉर्डिंग रखना है। तो बिल से मैं वापस आता हूं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे चेंज होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन अपने कंपनी के अकॉर्डिंग कहां से इसे एक्टिव करके और कहां से चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंपली क्या है, ये फर्स्ट इंटरफेस पे हूं और यहां पर देखिए ये अल्टर का ऑप्शन है, ठीक है। इस अल्टर के ऑप्शन पे हमें सिंपली क्या करना है, इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, हमें सेल वाउचर में जाना है। तो ये वाउचर टाइप ये रहा, वाउचर को ही अल्टर करने वाले, तो वाउचर में अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद हम टर्म एंड कंडीशन जाहिर सी बात है सेल पे लगा सकते, तो सेल को ही ओपन करना है, क्योंकि आप किसी गुड्स को सेल करते हो तो उसी पे आप टर्म एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैंने सेल को जो ओपन कर लिया, सेल का वाउचर ये खुला हुआ है, और इस पे एंटर करके सिंपली आपको आ जाना सबसे लास्ट ऑप्शन में, यहां पे सेट अल्टर डिक्लेरेशन, आपको इसे करना है यस। यस करने के बाद देखिए, ये ऑलरेडी यहां पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ये पहले से ही अभी जो मैंने एक्टिव करके दिखाया था वहां पे काफी चीज लिखा हुआ शो हो रहा था आपके पास, ये वही है। तो अब बट हमें क्या करना है, हमें यहां अपने अकॉर्डिंग रखना है। तो मैं यहां पे दो टर्म एंड कंडीशन अपने कंपनी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं, आप अपने अपने जो है कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसे यहां पे जो है लिख लीजिएगा, 2 3 4 जो भी हो। मैंने फर्स्ट यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं कि वंस गुड सोल्ड नॉट बी टेकन बैक, एक बार हमने बेच दिया तो भाई वापस हम नहीं लेंगे, ये हमारी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है। दूसरा ऑप्शन मैं यहां पे लिख लेता हूं, जैसे कि मेरा अमाउंट जो है, एक अमाउंट अगर इस बिल का, जो भी बिल हम अभी आपको रेज करने वाले हैं, इस बिल पे हमारा अगर अमाउंट टाइम पे नहीं दिया तो हम उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से ईयरली। तो इसी तरह से आपका और भी जो है आपकी कंपनी में और भी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, 2 3 4, तो आप उसके अकॉर्डिंग 1 by 1 नंबर देके आप लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जब बिल आपका रिसीव होगा आपके बायर पे, आपके आपका जो मतलब सेलर, आप जिसे सेल कर रहे हो उन्हें जब आपके सेल के बिल मिलेगा तो वो टर्म एंड कंडीशन देख लेगा, और नीचे आप जो सिग्नेचर का ऑप्शन भी एक्टिवेट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने इसमें कर रखा है, तो जिससे क्या होगा पूरा टर्म एंड कंडीशन वो खुद रीड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे जो है डील करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है दो ही यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख रहा हूं, बट आप क्या कर सकते हैं, 2 से अधिक जो भी लिखना चाहे आप यहाँ पे 1 2 3 करके लिख सकते हैं, जितने भी आपके टर्म एंड कंडीशन हो। इसी के साथ टर्म एंड कंडीशन तो हम लिख लेते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि अगर हमारा बिल रिसीव होने के बाद टर्म एंड कंडीशन वो रीड करे तो उसके बाद उन्हें अच्छा भी लगे लास्ट लाइन पढ़ के। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लास्ट में लिख लेता हूँ, थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस विद अस,
ये क्या एक छोटा सा मैसेज है, ये लास्ट में टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद अगर वो ऐसा पढ़ेंगे इसे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से जो है इनका बिजनेस करना भी इनके साथ सही है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि अच्छा होता है आपका जो है, आप अपने जो क्लाइंट को अगर ये सब चीज़ शो करते हो तो ये लास्ट में जो है ये मैसेज अच्छा भी लगेगा उन्हें। और टर्म एंड कंडीशन तो आपने अपने कंपनी के अकॉर्डिंग लिख ही दिया है, तो इसे करने के बाद एंटर मार के आपको सिंपली सेव कर लेना है। सेव कर लीजिए, इसे सेव करने के बाद अब चलते हैं वापस, क्योंकि हमने अपना टर्म एंड कंडीशन एक्टिवेट भी कर लिया था पहले, और अब क्या करा है यहाँ पे अपने हिसाब से लिख भी लिया कि जो हमें टर्म एंड कंडीशन रखना है। अब मैं आपको दोबारा बिल के ऑप्शन पे जाके किसी भी बिल पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, उस पर सभी प्रिंट प्रीव्यू पे हमारा ही टर्म एंड कंडीशन आएगा जो अभी हमने लिखा है। सेल में अभी हमने सही किया तो सेल का जो भी होगा सब पे आएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसे प्रिंट प्रीव्यू को ऑन करके जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये देखिए आ गया हमारा व्हाट्स वंस गुड सोल्ड नॉट बी टेकन बैक, और सेकंड जो हमने लिखा वो, और नीचे ये देखिए ये भी लिखा हुआ थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस विद अस। तो ये अच्छा लग रहा है, इस तरह का ही इंटरफेस आपका भी आएगा, तो आप इसे जरूर यूज करें। और नीचे जो है एक सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर का भी ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे कि वो टर्म एंड कंडीशन रीड करने के बाद वहां पे साइन कर सके। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी वीडियो बहुत ही काम की आपके लिए लाते रहते हैं।